नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इफ सम ऑफ टू यूनिट वैक्टर इज अ यूनिट फैक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस विल बी हमें बताना है कि अगर दो यूनिट वैक्टर है उनको जब हम ऐड कर रहे हैं तो उनको ऐड करने के बाद भी यूनिट वैक्टर आता है दोनों का डिफरेंस क्या आएगा ऑप्शन है रूट टू वन बाय रूट टू रूट थ्री या फिर uh, uh, या फिर अंडर रूट फाइव नाउ दो यूनिट वैक्टर हैं उनको जब हम ऐड कर रहे हैं तो भी रिजल्टेंट इज अ यूनिट वैक्टर सो दिस हाउ वी कैन से लेट अस से एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है तीसरा वेक्टर सी है तो हम लेट से ए प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू लेट से सी वेक्टर और सी वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वैक्टर सो नाउ वॉट वी कैन से अबाउट दिस इज इसके बारे में हम क्या कह है सकते हैं हम कह है सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस सीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर नाउ ए बी यूनिट वैक्टर बी बी यूनिट वैक्टर सी बी यूनिट वैक्टर तो हम लिख सकते हैं वन प्लस वन प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू वन सो वन विल गेट कैंसल विच एम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री यानी कि ए और बी इन दोनों वैक्टर के बीच में जो एंगल है वो वन ट्वेंटी डिग्री का एंगल है ना हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस क्या होगा सो लेटेस्ट से डी uh, वैक्टर जिसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है दैट इज़ ए वैक्टर ए कैप माइनस बी कैप ये डिफरेंस हमें बताना है सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सीटा कॉस सीटा हमें ऑलरेडी पता है कि कॉस थीटा uh, आपका वन uh, ट्वेंटी है सो कॉस सीटा की वैल्यू आ जाएगी सो वन का स्क्वायर वन होएगा प्लस वन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय कॉस वन ट्वेंटी होएगा वन बाय टू सो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी थ्री का अंडर रूट सो इन सब पे अंडर रूट रहेगा सो आपका डिफरेंस जो आया ए माइनस बी उसका मैग्नीट्यूड होएगा रूट थ्री बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी रूट थ्री विल बी द करेक्ट आंसर